हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीडी स्टाइल 24 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आई हूँ दिया कैसे बनाएंगे कुल्हड़ में और कैसे हम पानी से दिया जलाएंगे, तो चलिए बताती हूँ मैं। बहुत इजी है, आप घर में जगह जगह इस तरीके से अपने ग्लास में दिया जला सकते हैं और बहुत सुंदर लगता है। ये डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को अपडेट करती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक शीट ले लेंगे, ये प्लेसमेंट शीट है, मेरी वेस्ट हो गई है। आप चाहे तो पेप्सी कोका कोला की बॉटल्स को भी काट के इस तरीके से शीट बना सकते हैं। हम एक 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 इंच की बॉक्स टाइप का एक स्क्वायर शीट काट लेंगे और उसको राउंड फिगर में कटिंग दे देंगे। आप राउंड दे, स्क्वायर दे, ट्रायंगल दे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे राउंड कर दे रही हूँ और एक 20 सेंटर पे एक कट लगा देंगे। पूरा नहीं कट करना है, बस एक 20 सेंटर तक एक साइड में कट कर देना है। इस तरीके से हम सारी शीट्स को राउंड शेप दे देंगे और 20 से हल्का सा कट कर देंगे। इस तरीके से आप भी अपने घर में डेकोरेशन कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा करती हूँ। और ये एक डोरी है, ये आपको किसी भी शॉप में आराम से मिल जाएगी। हाँ, इससे हम दिया जलाएंगे। जहाँ मैंने कट लगाया है वहाँ 20 सेंटर में इसको हम लगाकर फंसा देंगे। इस तरीके से सारी शीट में हम इस तरीके से कर लेंगे। ये सब तैयार हो गई है, अब हम दूसरा काम करते हैं। यहाँ मैंने कुल्हड़ ले ली है 5, दो बड़े ग्लास, दो मीडियम ग्लास और दो छोटे ग्लास ले लिए हैं। मैं हर तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसे हर टाइप के ग्लास में हम कर सकते हैं। आप चाहे तो ग्लास में कलर भी खोल सकते हैं, जिससे लुक अच्छा आता है। मैं बहुत सिंपल बना रही हूँ और मुझे यही अच्छा लगता है। मैं कलर वाले भी बनाती हूँ आपके साथ, वो भी मैं शेयर करूंगी। इस तरीके से मैंने सारा ग्लास में पानी फिल कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कुछ फ्लावर्स ले लूंगी, आपके पास किसी भी टाइप के फूल हो तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। आप क्वांटिटी ज्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। कुल्हड़ बड़े काम की होती है, ये न्यू कुल्हड़ है, आप इनका दिया होल्डर भी बना सकते हैं। ये बहुत लुक वाइज अच्छे लगते हैं दिए की तरह। यहाँ रोज के पेटल्स हैं, मैं उनको भी यूज कर रही हूँ, सिंगल सिंगल, बहुत अच्छा लुक आता है। गेंदे के फूल के साथ अगर आप रोज पेटल्स डाल देंगे एक एक दो दो तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए डालने से कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से हम सबको अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। अगल बगल आप चाहे फैला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, यहाँ पे एक एक स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इन्हें ऐड कर दूंगी। डोरी को हमको गीला ऊपर से बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज की बात हमेशा याद रखिएगा। ऊपर की डोरी गीली नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अगर गीली हो गई है तो वो नहीं जलेगी। कभी कभी ऐसा होता है जलाते वक्त कभी डोरी गीली हो जाती है। खुशबू के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया है। ये मैं आपको साइड से दिखा रही हूँ, मैं फ्रंट से दिखाऊंगी तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। मैंने कोशिश की मैच बॉक्स की स्लाइस से इसे जलाने की, बट ये मुझसे हुआ नहीं। अब मैं यहाँ पे कैंडल का यूज करके सबको जला रही हूँ। कैंडल से बहुत इजीली जल जाता है और हाथ भी बर्न नहीं होता है।
कभी कभी क्या होता है, एक जलाओ तो दूसरा बुझ जाता है, तो उसमें भी थोड़ा समय लगता है। पेशेंस रख के आप करिएगा, थोड़ा सा समय तो लगता है पर बहुत सुंदर भी लगता है। कम से कम 1 घंटे तक आपकी आराम से एक स्पून जो ऑयल आपने डाला है इन सब में, किसी में दो में, आराम से 1 स्पून ऑयल 1 घंटे आराम से जलता है। आप जरूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगता है कम तेल में ज्यादा देर तक जलना और सुंदर भी लगेगा। इस तरीके से हमने सारे जला लिए हैं दिए, कोई बुझ भी जा रहा है तो उसे फिर से मैं जला रही हूँ। हाथ बचा के चलाना है क्योंकि सारे जल चुके हैं, तो थोड़ा सा हाथ का भी ध्यान रखना है। इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको फ्रंट से दिखा रही हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है आपको। तो मैं वीडियो में कैप्चर करके दिखा रही हूँ, रियल में ये बहुत सुंदर लगते हैं। आप जगह जगह रंगोली बना के इसको साइड में रखिए या डाइनिंग टेबल पे रखिए, सेंटर टेबल पे रखिए, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन का प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। मैं फिर मिलती हूँ दिवाली स्पेशल में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार।